भोलेनाथ के ऊपर आधारित है और जो टीजर लॉन्च किया है वो 13 तारीख को हम लोग कर चुके हैं और 16 तारीख को हम लोग पूरा गाना रिलीज कर रहे हैं। गाने के बोल जैसे कि कर्पूर गर्म मैंने बता दिया आपको, कर्पूर गर्म जो है मंत्र रहेगा इसमें, बाकी तो अभी नहीं बता सकते क्योंकि इंटरेस्ट है तो बहुत है। और खास क्या है गाने में, अन्य लोगों को अच्छा दिखा जाए तमाम लोग भोजपुरी गायक है आपकी तरह से अलग? मेरा जो गाना है वो भोजपुरी नहीं है, बॉलीवुड टाइप का है, तो मेरे 32 चैनल पर गाना रिलीज हो रहा है। दोबारा शुरू करते हैं, जस्ट जस्ट दोबारा शुरू करते आजकल डिस्को वाले गाने हैं और भटकने वाले गाने हैं, ये सब बना रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि भोलेनाथ के ऊपर गाना बनाया जाए। जैसे कि सावन का जो महीना आया है तो हम लोगों ने 13 तारीख को गाना गाने का जो टीजर है वो लॉन्च कर चुके हैं और 16 तारीख को हम लोग अपना पूरा गाना रिलीज कर रहे हैं। 32 चैनल्स पर मेरा गाना रिलीज़ होगा और लोकल FM है, लोकल जो कुछ चैनल्स भी हैं उन पर रिलीज कर रहे हैं। रैप टाइप का है जी, ये रैप टाइप का पॉप है, भोलेनाथ के ऊपर गाया हुआ है। इसकी शूटिंग कहाँ की? बनारस में शूटिंग की, बनारस टोटल शूटिंग बनारस में। हाँ थोड़ा सा विद रिदम आप दो मतलब उसके बोल गा सकते हैं? इससे पहले आपने कोई सॉन्ग गाया है या कोई एल्बम किया है? जी इससे पहले मैं 3 सॉन्ग कर चुका हूँ, मेरी खातिर है, आज फिर है और एक और है वो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। और अभी अगले हफ्ते ही मैं एक और गाना रिलीज़ कर रहा हूँ, कविता अनमोल, उसका अगला प्रोजेक्ट है तक। अभी मेरे 2 गाने पेंडिंग में पड़े हुए जो इसी महीने में रिलीज हो रहे हैं। TV एंकरशिप में किया है काम? जी TV में मैंने 4 साल काम किया है, मुंबई में क्राइम पेट्रोल, CID, सावधान इंडिया एंड छोटे छोटे तो अपने फैंस के लिए क्या संदेश देंगे? फैंस के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गाने को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और क्योंकि प्यार ही मेरी ताकत है। अच्छा ये जो सॉन्ग आपने मेरे महादेव वाला गाना है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से?